हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। आज बहुत ही खुशी के दिन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम टेलिंग यू, आज से ठीक 2 महीने पहले हमारी पोती जब जन्म ली तो मैं उस समय बहुत ही यू कैन से कि मेरा मन थोड़ा ये था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 9:43 में जब रिद्धि पैदा हुई और आ करके उसकी दादी हमको बतलाई करीब 9:50 में कि पोती हुई है, तो आई वॉज क्या मैं कहूँ, खुशी से मैं पागल हो गया। आई वॉज जस्ट लाइक ए मैड। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कभी जा करके सामने में मंदिर था, रूम के सामने में, तो मैं उधर ऊपर से ही सर पटक रहा था, भगवान को नमस्कार कर रहा था कि भगवान ये 35 साल के बाद ये खुशी मुझे आपने दिया है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से रखना, खुश रखना हमेशा। फिलहाल बज रहे हैं 9 और अभी तक बस एज यूजुअल दादी बेटा पोता बेटा क्या करें, दादी पोती दोनों सोए सोए हुए हुए। हैं, अब हम नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली जगे थे वो लोग सुबह जगे थे 6:30 बजे। हाँ, 6:30 बजे जगे थे, फिर दूध पी और फिर सो गई। ये देखिए रोने भी लग गए। अरे आज तो पैदा हुई, खुशी का दिन है। अरे खुशी का दिन रहता है, ये खुशी के आंसू हैं। ऐसे ऐसे कैसे कैसे ऐसे ऐसे करो 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 कैसे करना है। हाँ, चलो करो। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम तो ऐसे ऐसे कर रही है। डैडी, बच्चा आपके गोद में नहीं, लेकिन आप लग रहा है कि बच्चा लेके जा रहे हो। नहीं, जैसे तुम मुड़ के ले आई थी ना, तो मैं घबरा गई थी। नहीं डैडी, लग रहा है फिर जुड़वा है ये माँ का। अब इससे बात करो ना, पहले को। हाँ रिद्धि, घूमने चल रहे ना? आए तो कर रही है भाई, चलो जल्दी, रोना है। बाबा चले गए। हाँ चलो 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 चलो, घूमे चले घूमे चले। बाबले बाबू, लाइट में आँख कैसे बंद करती है। दादू भी एक नया बाबू लेके जा रहे, इसलिए रो रही। पेट में थी तब किया जाता था। हो जाएगी तो देख देख देखिए देखिए, आप खुद से करना पड़ता है। अब केक आ गया है दरवाजे पे। थैंक यू। इधर सीरियस मोड में क्यों है डैडी? थोड़ा सा काम कर रहा है, मोड चेंज है। किसी के हाथ में केक रहता है तो सीरियस। अरे बहुत, आपको मतलब क्या हम बोले, शब्द नहीं मिल रहा है ना। केक लेके सीरियस हो रखे हैं। हाथ धो गई। अच्छा कब कटे कब मिले? मेरे हाथ में तो केक रहता है, खुशी खुशी उछलते उछलते आते हैं। उछलते उछलेंगे तो सब खराब हो जाएगा ना। वो पहले साफ रहता है ना। केक आ गया। अब देखना है कि जो मैं पसंद करके आई थी, जो ऑर्डर देख करके आई थी वही है कि क्या है। हेलो। हाँ जितेंद्र जी, वो जो मैं केक दी थी वो एक ही कलर में बोली थी ना आपको, और ऊपर से दूसरे कलर से लिखना था ना, कि नीचे का कोई कलर ऊपर कोई कलर उससे ऊपर कोई कलर। हाँ 2 मंथ वाला। हाँ 2 मंथ वाला, उसमें नहीं डालना था वो कलर, सिर्फ एक ही कलर डालना था। जो कलर बोली थी मैं वो कलर ना करके दूसरा कलर भी क्या ब्लैक कलर कर दिया, जो कि हमको ब्लैक से ठीक है, कपड़े अच्छे लगते हैं लेकिन खाने पीने में नहीं अच्छा, नहीं अच्छा लगता। उसमें भी बच्चे का बर्थडे का नहीं पसंद पड़ता है, तो इसलिए मैं चेंज करवा रही हूँ। अच्छा केक वाले अच्छे हैं बहुत, वो बोले कि आधे घंटे के अंदर में हो जाएगा। शुभम भी नहीं आए हैं तो हो जाएगा, केक भी अपना टाइम लेकर चल रहा है। हेलो। हाँ नहीं 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 कोई बात नहीं, अब छोड़ दीजिए, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा, नहीं फिर कहीं उससे भी ज्यादा खराब हो जाए। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि पता नहीं अब इसके बाद भी और खराब हो जाए, तो इससे बेटर है कि भाई ये जो है सो है, जो थीम में रखी थी वो कल देख लीजिएगा, सब कोई पहनेंगे हम लोग, वही वही थीम था, बाबू जो कलर पहनेगी वही थीम था,
वैसा ही मैं बोल के आई थी लेकिन था मैं थी वो हो गए। आज मैं जा रही हूँ रिद्धि के जन्मदिन पे मखाना मशरूम या मशरूम मखाना मटर की सब्जी बनाने, तो वो चीज़ है देखिए इसमें क्या क्या लगता है। ये रहा मेन चीज़ मशरूम, मशरूम मखाना मटर टमाटर प्याज और अदरक लहसुन गरम मसाला हल्दी मिर्ची लाल मिर्ची जीरा नमक स्वादानुसार सरसों तेल। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी थोड़ा सा तेल डालूंगी पहले इसमें एकदम थोड़ा सा। ठंड का दिन हो गया मैं धोऊं या काम वालियाँ धोएं ठंड लगता है यार। तो इसमें मैं डालूंगी मशरूम। सबुन को सिखा भी रही हूँ कि कम बर्तन में कैसे खाना बनता है। ये फ्राई हो गया, डीप फ्राई नहीं किया जाता है ये, इसे हल्का सा फ्राई किया जाता है। अब मसाले तैयार करेंगे, इसमें भी तेल कम ही डालेंगे। सबसे पहले जीरा अदरक, ठंड का दिन आ गया तो इसलिए अदरक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा है। प्याज डाल देंगे, सिंपल मेथड से बना रही हूँ मैं, जैसे पहले बनाते थे उसी तरह बना रही हूँ। लेकिन पहले लाल करते थे प्याज को, मसाले को भी लाल करते थे, इसमें ये नहीं करेंगे। थोड़ा सा जो प्याज है उसका पानी और हरापन खत्म हो जाए फिर हम टमाटर डाल देंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे इसको, एकदम हल्का सा विद इन 2 मिनट रखेंगे इसको। ये देखिए ना लाल है ना हरा है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे, साथ में लहसुन डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन स्किप भी कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है, और सिर्फ टमाटर में भी बना सकते हो, प्याज और लहसुन स्किप कर सकते हैं। ये सभी मसाले डाल देंगे, तेल कम डाले हैं इसलिए पानी डालेंगे। कोई भी सब्जी तड़के वाली या कुछ तड़का डालते हैं तो बहुत हम लोग को तकलीफ होती है कि देख लीजिए चिमनी आज तक नहीं लगा, और मुझे भी ये घर छोड़नी है तो इसलिए मैं नहीं लगवाई, लगवा लेती लेकिन अब ये घर मुझे चेंज करना है। तो जैसे हम लोग तड़का डालते हैं वैसे ही बोलते हैं बाबू को हटा लो, बाबू तुरंत रूम में। थोड़ा सा मटर का जो ये रहता है ना ग्रेवी, उसको या तो आप बॉयल कर लो या आप फ्राई कर लो। तो ये फ्रोजन वाला रहता है तो बॉयल करने में और ये हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी एकदम गल जाएगा, तो इसलिए इसको फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा हरापन इसका हट रहा है और पानी ये छोड़ देगा, देखिए पानी कितना छोड़ देता है। तो ये पानी सुखा देना है और थोड़ा सा नमक डाल के, नमक हम स्वादानुसार डाले हैं तो मसाले में नमक कम डाले हैं इसलिए नमक उसमें भी डालेंगे, क्योंकि नमक उसमें पूरे मटर में नमक समा जाए एकदम थोड़ा सा इतना सा चिंदा सा। अब इसमें मैं तेल में फ्राई करूंगी मसाले, तेल में करें सॉरी घी में डाल रहे हैं घी और बोल रहे हैं तेल, घी में फ्राई करेंगे मशरूम। जो महक जो होती है ना वो थोड़ा सा दूसरे टाइप से रहता है तो वो ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है। और ये ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, घी इसीलिए डाला जाता है कि इसका मसाला जो है ना एकदम मीठा मीठा मसाला लगेगा। मखाने रहते तो मखाने खिले हुए रहेंगे, मखाने एक होता है ना कि मखाना सिकुड़ जाता है, अगर फ्राई करके डालोगे तो मखाना सिकुड़ जाएगा, अगर ऐसे ही डाल दोगे तो मखाना जैसे के तैसे रहेगा सॉफ्ट रहेगा। एकदम ऐसे सूख गया मटर, और मटर देखिए इसी तरह से। अब इसमें मान लीजिए कि अगर खाने का मन हो ना तो इसमें प्याज व्याज काट के ऐसे ही खा लो, अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, भुजा हुआ चूड़ा के साथ खा लो बहुत अच्छा। घी यही हो गया और ये मसाला तेल छोड़ने लगा है, एकदम घी छोड़ने लगा है, बहुत जल्दी हो जाएगा मसाला, ऊपर में छिटता भी नहीं है आगे ऊपर उठता भी नहीं है। एक्चुअली में मशरूम कम था तो इसलिए मैं खाने भी डाल दी, ऐसे बनता है ये नहीं है कि कम है तो बनता भी है, मखाने के साथ भी मशरूम को बनाया जाता है।
डाल देंगे। ये ड्राई भी बहुत अच्छा लगता है पूड़ी के साथ, मेथी वाला कचौड़ी के साथ ड्राई बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें मखाने भी गलाने हैं तो थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं, सीटी लग जाएगा। बस तैयार सब्जी, इजी है सब्जी। हाँ इजी है, ये ज्यादा भुनना नहीं, ज्यादा ये नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा मीठा मीठा लगता है ना तो अच्छा लगता है। नहीं कुछ नहीं होगा बेटा, ये देखे कहाँ जा रहा है। नहीं नहीं कुछ है बेटा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये डर रही है। एक्चुअली ये डर इससे इसलिए रही है क्योंकि गुब्बारा फुलाया गया है। आज का हमारा थीम था येलो, मतलब इस मंथ का थीम था येलो, पूजा पाठ ये सब के ऊपर रखा गया था, तो हम लोग गुब्बारा फुला ही रहे थे। अनफॉर्चुनेटली शैडो इतना डर रही है इसलिए गुब्बारा को फेंकना पड़ेगा, इधर ही रख दे रहा हूँ। रख दिया रख दिया। एक बच्चा डरे और एक बच्चे के मजे के लिए करना तो बेकार ही है, वो भी तो डर ही रही है। बेटा फेंक दिया बाबू, कुछ नहीं है अब, कुछ नहीं है बाबू। देखिए कितना डर के डैडी के पास कहाँ पर रही है, एकदम लिटरली कहाँ पर रही है बेटा। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, बलून से ये लोग डरते हैं। नहीं बेटा नहीं आएगा अब, आज के बाद नहीं आएगा बच्चे। आओ देखो देखो सारा फेंक दिया बच्चे, आ जा थोड़ा सा शैडो को रिलैक्स करवाने के लिए। हाँ बेटा हाँ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। ये देखो ना बाबू का मिठाई, बाबू के लिए मिठाई है। ये देखो ये देखो, इसमें से दो मिठाई। उतर गई गुड्डू कैमरा, अच्छा तुमको दूध देते। अब नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा कसम, वादा वादा बेटा, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। बोलो रिद्धि तुम भी वादा करो बिट्टू, नहीं आएगा ना, अब नहीं आएगा। काजल लगा भाई, नजर ना लगे। हाँ बिट्टू ना मेरा बच्चा, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अब नहीं आएगा अब नहीं आएगा। आप लोग भी हमेशा सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या हर महीने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस महीने की थीम येलो है, तो येलो के पीछे रीज़न यही था कि थोड़ा भगवान और ये सब चीज़ों का जो था, इस महीने पीला पीला थोड़ा अच्छा रहता है। और हम लोग इस ये जो जितने भी मोमेंट जा रहे हैं ना, दो महीने तीन महीने चार महीने, हर महीने सेलिब्रेट करेंगे, साल का भी करेंगे। हाँ 13-14-15 महीना देख सकते हैं ये सब चीज़ें कि होगा कि नहीं होगा, बट अभी ये सेलिब्रेट करने का रीज़न यही है कि हम लोग हर एक इसका हर एक स्पेशल, जैसे ये बातें करती है हरकतें करती है वो डेली व्लॉग्स में तो आता है। जैसे जैसे 16 तारीख को मैंने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे भी, आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा तो देखा होगा कि हम लोगों ने उस चीज़ को दिखाया है कि हमारे अंदर की फीलिंग क्या है। आज के दिन ही रिद्धि हमारे हाथ में आई थी, आज से 2 महीने पहले, वो खुशी वो पल जो हमारे फैमिली में जब गूंजा था ना, जब डैडी का वो लिटरली रोना, मॉर्निंग में भी आपने देखा होगा कि कैसे रोने लग गए थे, और मम्मी की वो खुशी उछलते हुए। हम लोग हॉस्पिटल में एक वक्त होता था, आप लोग खुद सोचिए कि एक वक्त हुआ करता था जिस वक्त में बेटी पैदा होने पे लोग मतलब अफसोस करते थे, एक वक्त था वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी है या नहीं है, होगा कहीं पे या नहीं भी होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर हमारे लिए तो बेटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। एक बहन के लिए तरसना भाई का, वो आप लोग को राखी भाई दूज ये सब पे तो महसूस होता ही है, और तब भी महसूस होता है जब एक दूसरों को देखते हैं कि अपनी बहन के लिए कुछ खरीद के ले जा रहा है या बहन अपने भाई के लिए कुछ कर रही है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, ये फीलिंग अंदर से ही समझने वाली होती है, तो बस इसी चीज़ को आप लोग समझिएगा। और हाँ, जहाँ तक एक बात थी, किसी ने कमेंट में किया था कि आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के साथ साथ में गरीबों के लिए भी बांट दिया करिए। अभी जितनी शक्ति है उतना हम लोग करते हैं, जितना भी हो पाता है उतना करते हैं। लास्ट मंथ का बर्थडे भी आप लोगों ने देखा होगा, बचे हुए केक का हम लोग ले जाके मंदिर के आगे में भी, और जहाँ जहाँ हम लोग को बच्चे दिखाई दिए, बड़े भी थे उनमें कुछ, उन सबको बांटा।
लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रिद्धि का सेकंड मंथ का बर्थडे। बेसिकली वैसे तो कोई सब कोई नहीं करता है, वैसे तो सब कोई नहीं करते हैं, मगर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे भाई हमारी खुशियां बिल्कुल ही अलग है, हमें कुछ ज्यादा ही खुशी है, एक्स्ट्रा खुशी है। वैसे दोनों हाथ ऐसे इसलिए किए हुए हैं क्योंकि दोनों हाथ में कैमरा है। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजारों। एक दादी और एक मम्मी। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पकड़ ली। अरे तिरछा काट दी। हमारी इंटरेस्टिंग रील्स ये सबको देखने के लिए आप लोग हमें जरूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग रील्स ये सब डालते रहते हैं, कुछ कुछ पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। रिद्धि भी थोड़ा आप लोगों को, हम लोगों का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर। अच्छा हाँ, तो चलिए अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा कपल, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा प्लीज, जरूरत है अब। हाँ देख लीजिए आप लोग। अरे हाँ, आप लोग को सरप्राइज देंगे कुछ दिनों में। अच्छा सर, कुछ है प्लान है? मैं सोचा था अभी रिवील कर दूं, मगर कोई बात नहीं। बाय बाय। अभी खोल कर देख रही हूँ, प्रेशर निकल चुका है इसका। वाओ कितना लजीज बना है, तो कुकर फिर भी इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा।